तरबूज के छिलके से। अगर आप कोई भी डेजर्ट बनाते हैं उसमें आप टूटी फ्रूटी डाल दें तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वो खूबसूरत दिखता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कलरफुल टेस्टी टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए हमें लेना है तरबूज के छिलके। अब इसे छोटे पीस में कट कर लेंगे कुछ इस तरह। अब लेंगे चाकू और इसके ग्रीन वाले हिस्से को हम अच्छे से निकाल लेंगे। अब रेड वाले हिस्से को भी हम अच्छे से निकाल देंगे। हम इसे लंबे पीस में कट कर लेंगे। देन इसे छोटे पीस में भी कट कर लेंगे। हमें इसे मीडियम साइज में कट करना है। अब तरबूज के सारे छिलके को इसी तरह छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। अब देखिए तरबूज के छिलके को छोटे पीस में कट कर ली हूँ। अब इससे काफी सारे टूटी फूटी बन सकते हैं। अब हम कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसमें हम पानी गर्म कर लेंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें टूटी फूटी डाल देंगे। अब इसे हल्का हल्का डीप कर देंगे। अब इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब देखिए ये बॉईल हो चुका है, ये हल्का ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे। अब चलते हैं इसकी चाशनी बना लेते हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई को हल्का गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी चीनी। साथ ही हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी। आप जितना चीनी डालेंगे उतना ही पानी डालें। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए। अब कुछ देर इसे बॉईल होने देंगे। चीनी अच्छे से घुल चुका है, अब इसमें टूटी फ्रूटी डाल देंगे। अब इसे हल्का हल्का डिप कर देंगे। इसे कुछ देर बॉईल होने देंगे जब तक ये चाशनी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब ना कर ले। मैं यहाँ 4 कलर की टूटी फ्रूटी बना रही हूँ। आपके पास जो कलर हो आप वो कलर का बना सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ रेड फूड कलर। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। अब मैं डाल रही हूँ ऑरेंज कलर, इसे भी अच्छे से मिला देंगे। अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर, इसे भी अच्छे से मिला देंगे। इसे हम येलो कलर ही रहने देंगे। अब थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे। अब लेंगे ट्रे और टूटी फ्रूटी को इस पे रख देंगे। टूटी फ्रूटी को अब इस पे अच्छे से फैला देंगे ताकि ये जल्दी सूख जाए। इसी तरह अब सारे टूटी फ्रूटी को हम इस पे अच्छे से रख देंगे और फैला देंगे। अब टूटी फ्रूटी को हम सूखने के लिए रख देंगे। अब देखिए टूटी फ्रूटी सूख के तैयार हो चुका है। ये कितना टेस्टी लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।